ब्रह्मांड जिसका विस्तार आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से हो रहा है, और उसी विशाल से ब्रह्मांड के अंदर एक छोटी सी चीज है धरती, और इसमें भी कोई शक नहीं कि एक छोटा सा ही हिस्सा है धरती हमारे सोलर सिस्टम का। और अगर हम गैलेक्सी के स्तर पर जाएं तो हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूरज इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी गैलेक्सीज में ना जाने कितने सोलर सिस्टम हैं, उसमें कितने सारे हमारे सूरज जैसे तारे हैं और उनको चक्कर लगाते हुए अनेकों अनेक ग्रह। तो क्या हम इंसान इतने बड़े ब्रह्मांड के अंत तक कभी पहुंच सकते हैं? अगर हम वहां पर पहुंचते हैं तो हमें क्या दिखेगा? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो हर एक इंसान के जहन में जरूर आते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप कभी ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच पाओगे तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हो सकता है कि हम पहले से ही ब्रह्मांड के अंत में मौजूद हो, या उसके मध्य में मौजूद हो, या फिर अपने पूरे ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद हो, जहां से हम अपने पूरे ब्रह्मांड को देखने की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का अंत चाहे जहां पर भी होगा, ना हम वहां तक कभी पहुंच सकते हैं, ना हम उसे कभी देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम जिस चीज पर रह रहे हैं, अगर हमें उस चीज को देखना है तो कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मांड के बाहर जाना पड़ेगा। तो जब ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा तो आप जाओगे कहाँ पर? लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने ब्रह्मांड के अंत तक पहुँच सकते हैं, उस अंत को देख सकते हैं, तो आइए आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ उससे पहले कुछ भी नहीं था, ना ये कॉन्स्टिलेशंस, ना सोलर सिस्टम, ना स्टार्स, ना प्लैनेट्स, और जाहिर सी बात है गैलेक्सीज भी नहीं थी। ये पूरा ब्रह्मांड जो आज आप देखते हो अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में, वो सब एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था, और फिर वो बिंदु फट गया, जिसे आज हम द बिग बैंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, उससे पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था, और जब ये फटा उसके बाद ही सब कुछ अस्तित्व में आया। यहाँ तक अगर ऐसा भी कहें कि बिग बैंग के बाद ही समय का भी फॉर्मेशन हुआ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले समय ही एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन आज एक ऐसा समय है कि एक बिंदु से निकला हुआ पूरा ब्रह्मांड इतना फैल चुका है कि उसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है हमारे ब्रह्मांड में, हमारा ब्रह्मांड उस लाइट से भी ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। और यही एक चीज हर एक वैज्ञानिक को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन आखिर हमारा ब्रह्मांड लाइट से भी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कैसे कर रहा है? दोस्तों, ये बिग बैंग असल में एक विडंबना है, एक तरह का प्रश्न चिन्ह है, जिसके आगे का उत्तर हमारे वैज्ञानिक कई सैकड़ों सालों से खोज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात क्या है पता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी पदार्थ लाइट की ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड लाइट की ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। तो ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा यूनिवर्स एक पदार्थ नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। और अगर एक ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत प्रूफ नहीं करता। और वैसे भी हमारे पूरे ब्रह्मांड में सिवाय अंधेरे के है ही क्या? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये एक बलून है, चलिए इस बलून को अंतरिक्ष मान लीजिए। अब इस बलून के ऊपर हम कुछ डॉट्स लगा देते हैं, और ये जो डॉट्स हैं उन्हें इमेजिन कीजिए कि ये गैलेक्सीज हैं। अगर मैं इस बलून में और हवा भरता हूँ तो ये एक्सपेंड होगा। कुछ उसी तरह से हमारा ब्रह्मांड भी एक्सपेंड कर रहा है, और उसके ऊपर बनी गैलेक्सीज भी एक्सपेंड होती चली जा रही हैं। यानी कि उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, क्योंकि उसके बीच की खाली जगह एक्सपेंड हो रही है। ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, ना कि गैलेक्सीज। इसीलिए अगर ब्रह्मांड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड करता है तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित नहीं करता। लेकिन इससे एक सवाल उठता है कि आखिर अगर ऐसा ही होता रहा तो फ्यूचर में हमारे ब्रह्मांड का क्या होगा?
दोस्तों, अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटती है जो हमारे ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को रोक सके, तो आज से लगभग 150 बिलियन साल बाद हमारे अंतरिक्ष में दिखने वाले तारे आज के कंपैरिजन में बहुत छोटे होंगे और धीरे धीरे कर हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर इस चीज को समझने के लिए वापस से बलून के एग्जाम्पल पर आए, तो अगर हम लगातार बलून में हवा भरते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बलून ही फूट जाएगा और वो गैलेक्सीज फिर से पास में आ जाएंगी। लेकिन हमारे ब्रह्मांड की गैलेक्सीज पास में तो नहीं आएंगी, लेकिन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी दूर जा चुकी होंगी कि हमें कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं जिन्हें आज के टाइम पर हम देख सकते हैं, लेकिन आज से 150 बिलियन साल बाद ये नंबर घटकर बस कुछ हजार में ही रह जाएगा। और आज जैसा टिमटिमाता और चमकता हुआ आसमान रात में हमें दिखता है, वो अंधेरे की गिरफ्त में आ जाएगा। हो सकता है कि इस नए तरीके के ब्रह्मांड को देखने के लिए हम जिंदा ही ना बचे। जिस तरह से डायनासोर का खात्मा हो गया हो, वैसे ही हमारा भी खात्मा हो जाए। हो सकता है कि हमारे बाद इन नए ब्रह्मांड को देखने के लिए कई मार्स या किसी और गैलेक्सी में जीवन पनप रहा हो। लेकिन अगर फिर भी अगर उस पॉइंट तक इंसान जिंदा रहते हैं और वो एक ऐसा यान बना लेते हैं जो कि 99.99% ऑफ लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है, तब भी हम ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में बहुत ज्यादा तेज एक्सपेंड कर रहा है। इसीलिए हम इंसान चाहे जितना तेजी ट्रैवल कर लें, उस कॉस्मिक बॉर्डर को कभी पार नहीं कर सकते। लेकिन आखिर ये कॉस्मिक बॉर्डर है क्या, ये कितना बड़ा है और ये कहां पर जाकर खत्म होता है, आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, ये सब अगर आपको जानना है तो हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ये है NGC 5468 गैलेक्सी जो हमारी धरती से 13 करोड़ लाइट ईयर दूर है, जिसकी इमेज को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। जेम्स वेब द्वारा ली गई इस इमेज में आपको ये गैलेक्सी बहुत ही सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन ये सिंपल है नहीं। दरअसल ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल आर्म्स और सेंटर में एक ग्लोइंग स्पॉट। हर स्पाइरल गैलेक्सी की यही पहचान होती है। लेकिन ये सिंपल सी दिखने वाली गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स के मिस्टीरियस सवालों का जवाब दे सकती है। अगर ये गैलेक्सी ना होती तो शायद हम कभी ये सोच ही ना पाते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और ये फ्यूचर में कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसके पीछे असल रीजन क्या है और आखिर क्यों हर एक दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।